नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो सोशल मीडिया पर संग्राम क्यों, इसमें आपका स्वागत है। और संग्राम क्यों ये समझने के लिए आपको मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाता हूं। आपको याद होगा 25 फरवरी इसी साल की 25 फरवरी को सरकार ने सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए कुछ कायदे कानून तय किए थे और ये कहा था कि तीन महीने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये नियम कानून इम्प्लीमेंट करना होगा, लागू करना होगा। 3 महीने की मियाद 25 मई यानी कल खत्म हो गई है, लेकिन ट्विटर के भारतीय वर्जन कू को छोड़ दें, कू एक हमारा देशी प्लेटफॉर्म है ट्विटर की तरह ही, कू को छोड़ दें, सिर्फ कू ने इसको फॉलो किया है, इस गाइडलाइन को माना है, इम्प्लीमेंट किया है, इसके अलावा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इस कायदे कानून को इम्प्लीमेंट नहीं किया है, लागू नहीं किया है। तो अब सवाल यह है कि 3 महीने का वक्त बीत जाने के बाद अगर पालन नहीं हुआ तो अब क्या होगा, क्योंकि अब नए कानून के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियों का इंटरमीडियरी स्टेटस खत्म हो सकता है और सरकार इन कंपनियों को कोर्ट में घसीट सकती है। सरकार चाहती है कि सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही तय हो, वो शिकायतों का निपटारा करने के लिए अधिकारी नियुक्त करें और लोगों को पता हो कि उन्हें कैसे संपर्क करना है, अगर कोई आपत्ति हो किसी पोस्ट पे, कोई खतरा हो तो कहां संपर्क किया जाए, ये लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए अब तक का स्टेटस क्या है, इस पर ट्विटर ने अब तक कुछ नहीं कहा है, फेसबुक कह रहा है कि वो इस पर काम कर रहा है, लेकिन फेसबुक की ये कंपनी व्हाट्सएप ने इस नियम को तो माना ही नहीं, उल्टे व्हाट्सएप ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सएप ने इसके खिलाफ याचिका दायर की है और कहा है कि इस नियम में से एक नियम ऐसा है जिसका पालन करने से राइट टू प्राइवेसी, निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो अब सवाल यह है कि आखिर ये कंपनियां भारतीय कानून मानने से आनाकानी क्यों कर रही हैं, जब भारत में इनका इतना बड़ा कारोबार है तो यहाँ के कायदे कानून को मानने से इनकार क्यों कर रही हैं ये कंपनियां और उन्हें परेशानी क्या है। और भी इससे बड़ा सवाल यह है कि कि अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो क्या भारत में उनका कारोबार बंद हो जाएगा, भारत एक बड़ा मार्केट है इन कंपनियों के लिए। इन तमाम मुद्दों पर आज हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। सोशल मीडिया दुधारी तलवार की तरह है, एक ओर ये अभिव्यक्ति का बड़ा जरिया है, आम आदमी की आवाज को बुलंद करता है, तो दूसरी ओर ये आम आदमी की प्राइवेसी के लिए भी बड़ा खतरा है। कोरोना काल की इस मुश्किल घड़ी में सोशल मीडिया भले ही लोगों की आवाज बना हो, लेकिन इस पर झूठ फैलाने के भी आरोप लग रहे हैं। सरकार न सिर्फ झूठ के इस प्रसार को रोकना चाहती है, बल्कि झूठ को सच की चादर पहनाकर पेश करने वालों को भी पकड़ना चाहती है। इसीलिए सरकार ने इसी साल 25 फरवरी को एक आदेश जारी किया था। सरकार ने अपने आदेश में सोशल मीडिया कंपनियों को ये बात कही थी कि वो 3 महीने के अंदर 3 अफसरों की नियुक्ति करें। ये नियम उन सोशल मीडिया कंपनियों पर लागू थे जिन्हें 50 लाख या ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। इन 3 महीनों में कंपनियों को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्त करनी थी। शर्त ये भी थी कि ये ऑफिसर भारत में ही रहने चाहिए। कंपनियों को अपनी वेबसाइट और ऐप पर भारत में उनसे संपर्क करने का पूरा पता भी देना था। इसके साथ ही वेबसाइट और ऐप ग्रीवांस ऑफिसर का नाम और उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी देनी थी। साथ ही ये भी बताना था कि अगर कोई शिकायत करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है। ग्रीवांस ऑफिसर 24 घंटे में शिकायत का संज्ञान लेगा और 15 दिनों के अंदर उसका निपटारा भी करेगा। साथ ही कंपनियों को 1 महीने में कितनी शिकायतें आईं, कितनों का निपटारा हुआ जैसी जानकारियां भी सरकार को देनी थी। सरकार के इस आदेश की मियाद 25 मई 2021 को खत्म हो चुकी है, लेकिन कू को छोड़कर किसी भी सोशल मीडिया कंपनी ने सरकार के आदेशों का पालन नहीं किया है। मतलब साफ है कि सरकार इन कंपनियों को कोर्ट ले जा सकती है।
लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अगर कंपनियां सरकार की बात नहीं मानती हैं, तो उनको सरकार किस आधार पर कोर्ट में घसीट सकती है, जरा ये भी समझ लीजिए। तो आपको बता दें, भारत में सोशल मीडिया कंपनियों को इंटरमीडियरी स्टेटस मिला हुआ है, यानी अगर कोई व्यक्ति उनके प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट करता है तो इंटरमीडियरी होने के नाते उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। सरकार के आदेश को न मानने के बाद सोशल मीडिया कंपनियों का ये स्टेटस छिन सकता है। सरकार आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 79 के तहत प्रोटेक्शन को खत्म कर सकती है, यानी अब सरकार किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट के लिए पोस्ट करने वाले को नहीं कंपनी को जिम्मेदार ठहरा सकती है और आईटी एक्ट के तहत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये सोशल मीडिया कंपनियां अमेरिका, रूस, यूरोप जैसे देशों में तो सरकार के आदेश को बिना शर्त मानती हैं, लेकिन भारत में इनका दोहरा चेहरा इसी बात से साबित हो जाता है कि एक तरफ फेसबुक ये कह रहा है कि वो सरकार के आदेशों का पालन करने की दिशा में काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ इसी की कंपनी व्हाट्सएप सरकार के इस आदेश के खिलाफ ये कहते हुए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच जाती है कि इससे यूजर्स की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। जरूरत है हमें और आपको सोचने की कि हम ऐसी कंपनियों पर अपने जीवन का छोटा बड़ा हर पल बिना कुछ सोचे समझे शेयर करते हैं, लेकिन जब बात उनकी जवाबदेही की आती है, उनकी बेलगाम परों को लगाम लगाने की आती है, तब वो हमारी प्राइवेसी की दुहाई देते हैं जिनके ऊपर उनका धंधा चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं विराग गुप्ता, सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट के। हमारे साथ आशुतोष श्रीवास्तव हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट, और साथ ही जितेन जैन हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। विराग गुप्ता जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि 25 मई की डेडलाइन को इन कंपनियों ने फॉलो नहीं किया है, नहीं माना है, तो और दूसरी तरफ व्हाट्सएप दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है और वहां पर ये व्हाट्सएप ने कहा है कि जो ट्रेस करने की बात हो रही है, जो ओरिजिन है मैसेज का, उसको जो ट्रेस करने के लिए बोला गया है, व्हाट्सएप की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि ये प्राइवेसी का, यूजर्स की जो प्राइवेसी है उसका उल्लंघन है। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि कानूनी तौर पर अब ये मामला आपको यहां से किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है, और जो व्हाट्सएप की दलील है कोर्ट में वो आपको कितनी ठीक लग रही है? देखिए, सारे नियम इतने ढीले ढाले तरीके से बनाए गए थे और उसमें OTT, इंटरमीडियरी और जो डिजिटल मीडिया को एक साथ मिक्स कर दिया, कॉकटेल बना दिया गया, उसकी वजह से ये संकट पैदा हो रहा है। और सरकार की भी कहीं कोशिश थी कि ये मामला अदालत में चला जाए जिससे कि इन कंपनियों पर इन नियमों को लागू करने की ज़रूरत नहीं पड़े। पर मैं इसके तीन पहलुओं पर एक थोड़ा सा बड़े संक्षेप में बताता हूँ। गोविंदाचार्य मामले पे 2013 में हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि ये कंपनियां शिकायत अधिकारी नियुक्त करें। कांग्रेस का शासन था और फेसबुक, गूगल और ट्विटर जैसी कंपनियों ने अमेरिका और यूरोप में भारत के व्यापार के लिए अपने अधिकारी नियुक्त किए, और पिछले 8 सालों से न तो भाजपा सरकार न ही कांग्रेस सरकार इन कंपनियों के अधिकारियों की भारत में नियुक्ति करा पाई है। यह एक मसला है। दूसरा मसला यह है कि ये सारी कंपनियां, एक जो CSC का अध्ययन है, भारत से 20 लाख करोड़ का कारोबार करती हैं, और चूंकि भारत में इनकी प्रेजेंस नहीं है इसलिए इस पर टैक्स चोरी करती हैं, यह समझने की जरूरत है। तो जब हम छोटे छोटे मुद्दों को ट्रिविलाइज करते हैं तो बड़ा मुद्दा आंखों के सामने से निकल जाता है। तीसरा, व्हाट्सएप भारत के यूजर्स की प्राइवेसी के लिए उसको जरा सा भी परवाह नहीं है। अगर परवाह होती तो वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को फोर्सफुली लागू नहीं करती, जिसकी वजह से 50 करोड़ से ज़्यादा भारत के यूजर्स के डेटा अब उनके जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ शेयर करने के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंडियों में नीलाम होगा। तो उनको भारत की प्राइवेसी की चिंता नहीं है, लेकिन चूंकि वो नियमों को लागू नहीं करना चाहते इसलिए एक पर्टिकुलर नियम पर उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। पर सवाल दो हैं। पहला सवाल यह है कि यह मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है जहां व्हाट्सएप पार्टी है, तो व्हाट्सएप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई? दूसरा सवाल यह है कि उनको एक नियम से आपत्ति है तो बाकी सारे नियम हैं उनको वो क्यों लागू नहीं करते? तो मुझे लग रहा है कि सरकार को सख्ती दिखाते हुए सारे सोशल मीडिया कंपनियां, सारी ई कॉमर्स कंपनियां, सारे विदेशी ऐप्स
उन पर इन नियमों को कठोरता से लागू करना चाहिए। इससे भारत में अराजकता में कमी आने के साथ अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि सरकार को और सख्ती दिखानी चाहिए, क्योंकि ये कंपनियां गलत फायदा उठाती हैं। इतना बड़ा मार्केट है भारत, और इसका गलत फायदा ये कंपनियां उठाती हैं। तो आशुतोष श्रीवास्तव जी, मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं, जो बात अभी विराग गुप्ता जी कह रहे हैं कि सरकार को और सख्ती दिखानी चाहिए, तो साइबर लॉ में सरकार के पास और क्या क्या सख्ती दिखाने के अधिकार हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर ये नियम कानून इन कंपनियों ने नहीं माना है तो जो इंटरमीडियरी स्टेटस है कंपनियों का खत्म हो सकता है। इसके अलावा और सरकार के पास क्या अधिकार हैं, और किस किस तरह की सख्ती सरकार दिखा सकती है इन कंपनियों को इस पूरे मामले में? देखिए, जो अभी जो इन्होंने डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड बनाया है, ठीक है, जिसमें इन्होंने, जैसे अभी गुप्ता साहब ने भी बताया कि इसके अंदर जो अपॉइंट करने की बात हुई है, ग्रीवांस ऑफिसर हो, नोडल ऑफिसर्स हो, या फिर जो है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स हो, जो कि इंडियन रेसिडेंट होनी चाहिए, और इनके लिए बहुत सारे इन्होंने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं कि किसी का अगर कंप्लेंट आता है तो उसका जो है निवारण करना है, उसके लिए समय सीमा को भी तय किया गया है, 24 घंटे में सुनना है, 15 दिन के अंदर जो है उसको डिस्पोज करना है, और हर महीने एक रिपोर्ट बना करके देना है गवर्नमेंट को कि कितने इस तरह के कंप्लेंट्स आए और उस पर क्या कार्रवाई की गई। देखिए, पहले जो हमारा जो लॉ था वो सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था, और उसके अंदर जो है बहुत ही लिमिटेड प्रोविजंस है, जो कि अमेंड भी हुआ है। वो अमेंडमेंट के बाद भी जो सेक्शंस जैसे 72A या 43A जो है उस आईटी एक्ट का, उसमें बहुत ही लिमिटेड स्कोप था गवर्नमेंट के लिए इन इंटरमीडियरीज को रेगुलेट करने के लिए। लेकिन अभी जो इन्होंने जो नया जो एथिक्स कोड लाया है, इसके अंदर सरकार चाहे तो उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी शुरू कर सकती है, उसको उसका जो इंटरमीडियरी लाइसेंस है वो कैंसिल कर सकती है। तो बहुत सारे उसके अंदर रेगुलेशंस हैं। अब जो बात यह है कि व्हाट्सएप जो है हाईकोर्ट गया है, हाईकोर्ट पे उसका जो ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो है आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19, यानी कि राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो देता है हमारे सिटीजन्स को, उसका वायलेशन हो रहा है, क्योंकि उसका ये उसका दलील है ये व्हाट्सएप का। उनका ये कहना है कि अगर रेगुलेट करेंगे लोगों को, जो ओरिजिनेटर है, जो पहला जो पोस्ट कर रहा है इंटरमीडियरी के साइट पे जाकर के, उसको ढूंढना, उसको पकड़ना या उसके प्राइवेसी के अंदर जाना, ये उसके खिलाफ होगा, ये उनका कहना है। अभी ये देखिए, ये बहुत ही एक थिन लाइन है दोनों के बीच में, कि एक तरफ जो है हमें उसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, ताकि जो कंटेंट, जो ऑब्सीन कंटेंट्स हैं, या जो हमारे सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट कंटेंट्स हैं, या फिर मिस इन्फॉर्मेशन है, या कोई ऐसी बात कही जा रही है जो पब्लिक यू नो पॉलिसी के अगेंस्ट में पोस्ट हो रहा है, उसको रोकना भी जरूरी है, और कहीं ना कहीं उसको जो है इंटरमीडियरी को भी रिस्पॉन्सिबल बनाना बहुत जरूरी है। बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि उसको इस तरह से एक फाइन लाइन बनाना चाहिए, जिससे कि वो उसको रेगुलेट भी किया जा सके इंटरमीडियरी को, और साथ ही में जो हमारे देश के जो सिटीजन हैं उनका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, या फिर उनकी जो राइट टू प्राइवेसी है आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के अंदर, उसका भी जो है वायलेशन ना हो। तो मुझे लगता है कि अभी पूरा मामला कोर्ट में है, और मुझे लगता है कि कोर्ट इसको बहुत अच्छे तरीके से इस पे गाइडलाइंस कोर्ट लाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अभी देखिए, जो हमारा आईटी एक्ट था उसके अंदर एक और एक सेक्शन 79 था, तो 79 जो है किसी जो है इंटरमीडियरीज जैसे व्हाट्सएप वगैरह जो इंटरमीडियरीज हैं उनको उनको एक तरीके का इम्यूनिटी देता था, उनको उनको बचाता था, क्योंकि उस समय इंटरमीडियरी कहते थे कि हमें क्या पता, हमारा तो ये जो है ऐप है, इसके अंदर अब कौन क्या पोस्ट करता है, इसको हम कैसे रेगुलेट करेंगे। तो आप जो पनिश करना है आप उसको कीजिए, अगर कोई गलत कंटेंट अगर पोस्ट कर रहा है तो पनिशमेंट उसको होनी चाहिए, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए। जबकि ये जो नया जो हमारा एथिक्स कोड है उसमें पूरी तरीके से उन लोगों के अलावा जो ऑफेंसेस कर रहे हैं उसके अलावा इन जो है इंटरमीडियरी की भी जिम्मेदारी जो है उसमें तय की गई है। तो ये इस तरीके का कानून है, बिल्कुल, और बिल्कुल मुझे लगता है की जानी चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं, ये बात जी जी जी, ये आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, कि कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल हो रहा है, और जो कंपनियां दलील दे रही हैं कि जो लोग पोस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई तभी होगी ना कि जब जब उन तक पहुंचा जाएगा, जब उनको पकड़ा जाएगा। उनको पकड़ा कैसे जाएगा? जब आप इस प्लेटफॉर्म को ठीक से ट्रैक करेंगे, ट्रेस करेंगे, तभी तो हम उन तक पहुँच पाएंगे।
उसका जरिया क्या होगा, ये बात ठीक है। लेकिन जितेंद्र जैन साहब, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं सर कि ये मसला बहुत बड़ा है और ये हर यूज़र को जो देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि सरकार ने 3 महीने का वक्त दिया, करना क्या था आपको 3 महीने में सोशल मीडिया कंपनियों को, एक एक रेजिडेंट ग्रीन ऑफिसर नियुक्त करना था, एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करना था, एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन रखना था, 24 घंटे में प्रॉब्लम को एड्रेस करना था, 15 दिन में रिजॉल्व करना था। तो अगर कंपनियां आनाकानी कर रही हैं और वो नहीं चाहती हैं ये करना, क्या इसके पीछे ये शक बढ़ता है क्या कि ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं जो यूज़र हैं हमारे देश के उनका जो डेटा है वो साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से बड़ा डेंजर जोन में है और इसीलिए ये कंपनियां आनाकानी कर रही हैं, इस ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ हैं, क्या लगता है आपको? हाँ, इन कंपनियों को लगता है कि 21वीं सदी की डिजिटल ईस्ट इंडिया कंपनी है जो भारत को एक बाजार की तरफ देखती है जहां ना तो इनकी कोई सामाजिक साझेदारी है ना समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी। वो यहाँ पर आपका डेटा जितना हो सके लेना चाहती हैं, वो यूरोप में नहीं लेती पर आपके यहाँ सब कुछ लेना चाहती हैं, वो आपके यहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर कमाना चाहती हैं पर 15 लाख रुपए का भी टैक्स नहीं देना दिया है। वो भारत से 40 करोड़ यूजर्स तो चाहती हैं, अपना 7% रेवेन्यू तो चाहती हैं, मगर 3 अधिकारी की तनख्वाह नहीं देना चाहती जिसके भारत सरकार या आम आदमी अगर उसको कोई ग्रीवियंस है या कोई भी तकलीफ है उसको वो फोन कर सके। कोर्ट में हजारों साल विराग भाई जैसे लोग मुकदमे लड़ते हैं, जब फाइनली दिल्ली हाई कोर्ट 8 साल पहले कहता है कि आप कम से कम एक ग्रीवियंस ऑफिसर को अपॉइंट कीजिए, तो आयरलैंड में एक गोरे व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है जिसका कोई मोबाइल नंबर भी नहीं है, जो ईमेल पे कभी जवाब नहीं देता। सरकार कहती है, और भारत की सरकार नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, जो वर्ल्ड के कई बड़े बड़े लोकतंत्र हैं और अच्छे लोकतंत्र हैं, उनकी सरकारों ने जॉइंट कम्युनिक कहा 2019 के अंदर कि ये जो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड ऐप है जैसे व्हाट्सएप वगैरह, आप इंक्रिप्शन रखिए, मगर टेररिज्म के मामलों में जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, समाज के प्रति कोई अफवाह हो गई, कोई आगजनी हो गई, वहां पे अफवाह फैलाने वाले इस तरह के कंटेंट को रैमसम या मैलवेयर भेजने वाले का ओरिजिनेटर आप बताइए और ये बिना एंड टू एंड इंक्रिप्शन को तोड़े जो है ये पता लगाया जा सकता है। मगर ये कंपनियां ये करना नहीं चाहती बिकॉज उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, नए डेटा सेंटर लगाने पड़ेंगे, अधिकारी बिठाने लगेंगे, पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो वो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, खर्च नहीं करना चाहते। दूसरा, देखिए, आप और हम जब टेलीफोन पे बात करते हैं तो टेलीफोन कंपनी ये तय नहीं करती कि आप और हम क्या बात कर रहे हैं, सच है कि झूठ है। आप जब इंटरनेट पर कोई इंफॉर्मेशन आप ब्राउज करते हैं तो कंपनी ये तय नहीं करती कि आप क्या खोलेंगे क्या नहीं खोलेंगे। इसीलिए इन कंपनियों को इंटरमीडिएट का दर्जा दिया गया कि ये मात्र एक प्लेटफॉर्म देती है जिसका इस्तेमाल आप करते हैं, इन्फॉर्मेशन आप डालते हैं। फेसबुक और गूगल, ट्विटर वगैरह का भी ये कहना था, साहब हम भी तो प्लेटफॉर्म है, लोग आके कंटेंट अपलोड करते हैं और हमारा इसमें कोई अपना कंटेंट नहीं है, इसलिए आप हमें इंटरमीडिएट मान लिए। मगर उसकी एक शर्त है भारत के कानून के अंदर कि आप डेटा से किसी तरह की छेड़खानी नहीं करेंगे, ना तो आप उसे मॉनिटर करेंगे, ना आप उसे एडिट करेंगे, ना ऐड करेंगे, ना मॉडिफाई करेंगे, ना कुछ हटाएंगे, ना लेबल करेंगे। अगर आप डेटा से किसी भी तरह की छेड़छाड़, क्लासिफिकेशन या मॉडिफिकेशन करते हैं तो फिर आप अपने आप को इंटरमीडियरी नहीं कह सकते, फिर आपकी जिम्मेदारी किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म जैसे न्यूज प्लेटफॉर्म हुआ, वेबसाइट हुई, चैनल हुआ, उनकी तरह आपकी भी जिम्मेदारी कानून के प्रति होगी और आपके ऊपर भी भारत कोई भी नागरिक क्रिमिनल मुकदमा दायर कर सकता है। ये कंपनियां ये सब नहीं चाहती, ये चाहती हैं कि दोनों हाथ में लड्डू हो, सारा डेटा भी चोरी करें, मैनिपुलेट भी करें, बेचे भी करें, उसका जो उनको मन में इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर करना है, इन्फ्लुएंस करना है, लेबल करना है, डिलीट करना है, सब वो करें, ठीक बात, और उसकी जिम्मेदारी भी ना लें, सरकार का कोई आदेश ना माने, और पूरी की पूरी प्रोटेक्शन भी उनको मिलती रहे। तो ये अगर भैया दोनों ही हाथ में लड्डू खाने हैं तो आपका चैनल क्या बुरा, आप भी कहिए कि हमें भी किसी कानून को नहीं मानना, दूसरी वेबसाइटें भी क्या बुरी, हम क्या बुरे। और दूसरा, यहाँ पे बैठे हम चारों व्यक्ति, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चारों मिलकर ट्विटर से ज्यादा टैक्स पे करते हैं, तो हमने कौन सा अपराध कर दिया कि हम कानून का पालन करके अपनी कमाई से भारत सरकार के प्रति टैक्स पे कर रहे हैं। अंग्रेजों का जो जमाने का, ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही कि कंपनियां चाहती है कि दोनों हाथ में लड्डू हो, एक तरफ आप चाहते हैं कि आपका कारोबार भी फलता फूलता रहे, आपका प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर बढ़ता रहे, लेकिन उस पर अगर कुछ गलत हो तो उसकी जिम्मेदारी आपकी ना हो, आपको इम्यूनिटी मिलती रहे कानून की तरफ से, आपके ऊपर कोई एक्शन ना हो, ये दोहरी जो स्ट्रेटेजी है वो कैसे चलेगा। विराग गुप्ता जी, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर कि कुछ लोगों की ये दलील है जो कंपनियों के पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कंपनियां ये नियम लागू करने से इसलिए हिचक रही हैं कि उनको ये लगता है कि एक बार जब ये नियम लागू हो जाएंगे तो इसका मिसयूज भी होगा,
मतलब अनावश्यक रूप से उनको परेशान किया जाएगा, एक तरह से उनको बांध दिया जाएगा, उनके ऊपर एक तरह से वॉचडॉग होगा। क्या ये दलील ठीक है क्या कि अनावश्यक रूप से भी परेशान किया जाएगा, नियमों का दुरुपयोग होने का खतरा रहेगा? ये दलील आपको ठीक लग रही है क्या? देखिए, मैं आम जनता को समझाने के हिसाब से बताता हूँ, इंटरमीडियरी माने क्या। इंटरमीडियरी माने एक पोस्टमैन जिसका कंसेप्ट 20 साल पहले आया था, वो एक चिट्ठी दूसरी जगह पहुंचाता था, चिट्ठी के बारे में उसकी कोई जवाबदेही नहीं होती थी। लेकिन पिछले 20 साल में उस पोस्टमैन ने न सिर्फ चिट्ठी के कंटेंट पे, बल्कि चिट्ठी पाने वाले, लेने वाले, उसमें लिखे सारे नाम, सड़कों पर, सब जगह पर कब्जा कर लिया है। अब पूरे विश्व का डेटा उसके पास है और उसके डेटा के अनुसार चिट्ठियां बनती हैं, उसके डेटा के अनुसार चिट्ठी पढ़ी जाती है, कौन सी चिट्ठी पढ़ी जाएगी, कौन सी चिट्ठी नहीं पढ़ी जाएगी, वो अब डिसाइड करता है। अब वो पोस्टमैन नहीं है, वो डेटा माफिया बन गया है। तो ये कंपनियां जिन्हें 20 साल पुराने उस इंटरमीडियरी का फ़ायदा मिलता था, जिसके तहत इनकी कानूनी जवाबदेही नहीं थी, तो पहले नंबर पर इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, जिसके लिए कानून में बदलाव करना पड़ेगा। दूसरा, चूंकि ये कंपनियां कंप्यूटर में ऐप के माध्यम से काम करती हैं, इसलिए इनकी प्रेजेंस नहीं होती है। तो भारत में व्हाट्सएप के 54 करोड़ यूजर्स हैं, फेसबुक के, ट्विटर के, सब मिलाकर के सैकड़ों, इनके जो लाखों करोड़ों यूजर्स हैं, लेकिन भारत में सारा व्यापार करने के बावजूद ये अपनी फिजिकल प्रेजेंस को नहीं दिखाना चाहती हैं। सवाल 3 लोगों के अपॉइंटमेंट का नहीं है। अगर वो 3 लोगों की प्रेजेंस दिखा देंगे तो कंपनीज एक्ट के तहत, इनकम टैक्स एक्ट के तहत इनके ऊपर पूरा टैक्स लग जाएगा। और टैक्स कैसे लगेगा? अगर भारत में इनके टोटल यूजर्स के 1/5 20% अगर यूजर्स हैं, तो इनकी आमदनी, इनकी वैल्यूएशन का 20% इनके मुनाफे का भारत में टैक्स इनको देना पड़ेगा। वो टैक्स नहीं देना चाहते हैं, और उस टैक्स को बचाने के लिए प्राइवेसी की और दुनिया भर की सारी बातें हो रही हैं। लेकिन इसमें सरकार की भी कमजोरी है, सत्ता पक्ष की भी, विपक्ष की भी। पार्लियामेंट्री कमेटी में इन कंपनियों के लोगों से बातचीत होती है, आप पर इन पर दबाव नहीं बनाया जाता। कि सख्त नियम बनाए जाने चाहिए, देश की संसद ने। ठीक है सर। नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों का फैसला आया था। आपकी बात बिल्कुल सर ठीक है। उन्होंने बड़े दिलचस्प कमेंट किए थे। जी। और उस 9 जजों के फैसले के बावजूद आज तक सरकार और संसद ने डेटा सुरक्षा का कानून नहीं बनाया है, जिसकी वजह से ये कंपनियां चोर दरवाजे से भाग रही हैं। बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि डेटा सुरक्षा का एक सख्त और एक मजबूत कानून हो, और सरकार जो कानून लेकर आई है और जो कंपनियों के ऊपर ये कहा जा रहा है कंपनियों से कि वो इसे लागू करें, ये बहुत जरूरी भी है। अब आशुतोष जी, मैं आपसे एक फाइनल क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूं कि आखिर इस पूरे मामले का समाधान है क्या? क्या क्या बीच का रास्ता क्या हो सकता है? क्योंकि ये कंपनियां तो ये समझती हैं कि भारत तो हमारा कुछ कर नहीं पाएगा और इतना बड़ा मार्केट है, और इसीलिए 3 महीने की डेडलाइन देने के बाद भी कोई पुख्ता जवाब नहीं है इनके पास। तो अब सरकार को किस तरह की शक्ति दिखानी चाहिए, और दूसरा ये कि बीच का रास्ता अभी इस वक्त क्या हो सकता है, सॉल्यूशन क्या है इसका? देखिए, अभी जी अभी जैसे आपने कहा, ये अभी तो मामला पूरा कोर्ट के सामने है। तो अभी तो सरकार, अभी जो व्हाट्सएप ने फाइल किया है केस, उसमें उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया को ही पार्टी बनाया है, और इस पे हाईकोर्ट जो है सुनवाई कर रहा है। ठीक है, और एक केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। तो मुझे लगता है ये पूरा मामला सबजुडाइज्ड है, और इसके अंदर मुझे लगता है कोर्ट जो है इसमें वही, जैसे मैंने पहले कहा, एक फाइन लाइन ड्रॉ करने की कोशिश यही करेगा कि इनको रेगुलेट तो करना ही पड़ेगा। रेगुलेशंस बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों का कोर्ट में मामला है आशुतोष जी, उसके मैं एक बात और समझना चाहता हूँ आपसे। कोर्ट में मामला है ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या कोर्ट में मामला है, तो क्या कोर्ट में मामला रहते हुए जो इंटरमीडियरीज वाला स्टेटस है ये खत्म हो सकता है क्या? अगर 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 कोर्ट अगर स्टे देती है फिलहाल के लिए, तो अभी उनको कंटिन्यू करने का मौका मिल सकता है। लेकिन हाँ, अगर कोर्ट अगर कोई रिलीफ देने से मना करती है, तो उनको कोई रिलीफ नहीं मिल पाएगा इंटरमीडियरी को। लेकिन हाँ, अभी कोर्ट में चूंकि मामला है, कोर्ट उसको सुनना चाहती है, और मामला पेंडिंग है, तो ऑब्वियसली इस पे अभी इमीडिएट कोई एक्शन लेना सही नहीं होगा जब तक कोई फाइनल डिसीजन ना हो जाए। और जो मैं एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ कि उसमें कोर्ट यही देखेगा, देखिए ये जो हमें लग रहा है कानून आने से स्थिति पूरी सुधर जाएगी, ये हमारे, मैं कह रहा हूँ, अच्छे स्वप्न है, ये पूरे नहीं होंगे। अगर कानून मानना ही होता इन कंपनियों को, जो 3 महीने से जो कानून के अंदर प्रावधान बने उन्हीं को मान लेती, वो नया कानून आएगा उसके अंदर भी ये कोई ना कोई लूपहोल ढूंढेंगे और ये कंप्लाई नहीं करेंगे। इंटेंशन ही नहीं है भारत के अंदर किसी कानून को मानने की।
तीन तो क्या किया जाए, क्या करना चाहिए फिर? करना, आप बताइए सरकार को क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि तुरंत प्रभाव से अगर कल तक इसको इंप्लीमेंट नहीं करती है तो आपको नोटिफाई कर देना चाहिए कि ये पांच कंपनियां जो बड़ी सिग्निफिकेंट डेटा इंटरमीडियरी हैं, इनको इंटरमीडियरी 79 के अंदर कोई प्रोटेक्शन हासिल नहीं है। कोई भी व्यक्ति ने कंटेंट के लिए कोई चुनौती दे सकता है कोर्ट के अंदर, तुरंत अच्छा। प्रभाव से समाप्त कर देना चाहिए। दूसरी बात जो विराज भाई भी बार बार कह रहे हैं, ये छोटे इश्यूज हैं, ये आते जाते रहेंगे। बड़ा इशू ये है, ये मतलब इनकी आ कहां से रही है, ताकत आ रही है पैसे से। तो पैसे के लिए यहाँ पे पहले टैक्स भरवाना शुरू करना चाहिए, उसके बाद ही अपने आप रास्ते पे आएंगे। ओके ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है सर, माफी चाहूंगा। बहुत अच्छी डिबेट हो रही थी, इसके ऊपर और चर्चा की भी जरूरत है, लेकिन आप तीनों ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखी है। जी जी विराग जी, ऐड करें सर, 30 सेकंड का टाइम है। यस विराग जी, देखिए ऐसा है जो श्रीवास्तव जी जो बोल रहे थे, दिल्ली हाई कोर्ट में सिर्फ रूल 4-2 को चुनौती दी गई है। अगर स्टे मिलेगा तो सिर्फ 4-2 को स्टे मिलेगा, बाकी सारे अच्छा। रूल्स वो जारी रहेंगे और उनको पालन करना पड़ेगा, करना चाहिए। इसलिए सिर्फ लिमिटेड चुनौती दी गई, पूरे नियम को चुनौती नहीं दी गई है। अच्छा। ये क्लैरिफिकेशन है मेरा। हाँ, लिमिटेड चुनौती दी गई है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया विराग गुप्ता जी आपका, आशुतोष जी आपका और जितेंद्र जैन साहब आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।